ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 27/4/2001 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ನಗರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 19 ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಜ್ಮಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಯಜಮಾನರಾದ ಸುಮಾರು 1995ನೇ ಇಸ್ವಿದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನೈಮ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ .com ಅಟ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ವಾರ್ಡಿನ ಜನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಉರ್ದು ಮಾತಾಡೋದಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉರ್ದುವಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ತಾವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಾ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ? ಆರಾಮಾಗಿ, ಎರಡು ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಉಜ್ಮಾ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಎಸ್ ಖಲೀಲ್ ಅಹಮದ್, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಮಕ್ಬೂಲ್ ಉನಿಸಾ. ನಾನು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಯಾರಬ್ ನಗರ್ 19ನೇ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿರೋದು ವಾಸವಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಸರಿ, ತಾವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ? ಇಲ್ಲ, ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ. ತಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ಮೇಡಮ್ ನೀವು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾರಾದರೂ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದೀರಾ? ವಾರ್ಡ್ನವರ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಾರಾ? ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರನ್ನೇ ನನಗೆ ಸಹಕರಿಸಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಉರ್ದು ಮಾತಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಭಿ ಜೊ ಮೇ ಬಾತ್ ಕರ್ನಾ ಚಾಹತಾ ಹೂಂ, ಉರ್ದು ಮೇ ಬಹುತ್ ಸಾರೇ ಸವಾಲಾತ್ ಆಪ್ಸೆ ಪೂಛನಾ ಚಾಹೂಂಗಾ. ಉಸ್ಸೆ ಪಹಲೇ ಆಪ್ಕೆ ಯಜಮಾನ್ ಭಿ ಹಮಾರೇ ಯಹಾಂ ಉಪಸ್ಥಿತ್ ಮೇ, ತೋ ಉನ್ಸೆ ಮೇ ಚಂದ ದರ್ಖಾಸ್ತ್ ಕರ್ನಾ ಚಾಹತಾ ಹೂಂ ಕಿ ಚಂದ ಉನ್ಕಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹಮಾರೇ ಲೋಗ್ ಮಿಲ್ಕೇ ದೇ. ಸರ್, ಆಪ್ಕಾ ಅಪ್ನಾ ಪರಿಚಯ ಹಮಾರೇ ದರ್ಶಕೋ ಕೋ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ, ಮೇರಾ ನಾಮ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನೀಮ್ ಹೈ ಔರ್ ಹಮಾರೇ ಪಿತಾಜಿ ಕಾ ನಾಮ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಯಾಜ್, ಮಾತಾ ನಾಮ ಖುರ್ಷಿದ್ ಭಿ ಹೈ ಔರ್ ಮೈ ಇಧರ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಕರ್ಲೇಕೆ आया हूँ 20-25 साल से जी. मेरे को काउंसलर बनने का मौका एक ये गए बार लास्ट टाइम था जी. फिर भी मेरे अपोजिट हमारे रिश्तेदार कोई कांग्रेस से करती हमें तुम्हें जेडीएस से मत खड़ा करके मेरे को ये करे भाई छोड़ दिया खड़े दे ये लोग आ करके जी. अब क्या हुआ होगा तो इधर जेंट्स हुआ था, एकदम अचानक लेडीज करके आ गया लेडीज. मेरा कुछ इरादा नहीं था, इधर पब्लिक डिमांड नहीं नहीं भाई तुम फिरते हैं सोशल वर्क करते हैं तुम्हारी बीबी की खड़ाओ हम जिताएंगे करके बहुत फोर्स करे, तो मैं हमारी मैडम खड़ा है. जी 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 जी. तो आपका कोई मकसद नहीं था कि लेडीज कैटेगरी आने के बाद आप खड़ा ना था? खड़ा ना मैं क्या भी जरूरी नहीं समझता था वैसा. जी, जी, जी. मेरा मैं हर काम में जो डिपार्टमेंट में कुछ काम भी रहा तो मैं जाके काउंसलर नहीं तो भी करा लेके आता. अच्छा, आप टोटल आपने कहा 20-25 साल से आप सोशल वर्क में लोगों की खिदमत कर रहे हैं, क्या क्या तरीके से खिदमत अंजाम देते हैं, क्या लोगों को आपने खिदमत की है? देखो, अभी एक बेनर्जी लोन है, अब इधर खिलौने का जो टेस्ट फैक्ट्री है, टेस्ट फैक्ट्री को जो लोन देते हैं मेनल्टी से, उनको कुछ मालूम नहीं. मैं उनके फार्म माँ मंगले के जाना, किसके पास जाना, किसे देना, देख ऐसा बहुत कुछ लोन दिलाया हूँ मोहल्ले के अंदर. अब ये हाउसिंग लोन ऐसा भी करा के हूँ, फिर क्या करा के हूँ, ला के हूँ. और थोड़ा पानी का गिने का मेरा किधर चलता है, उधर फ़ोन करता हूँ, आके करके जाते हैं वो कचरा किचरा कुछ रहा तो, कभी कार भी रही तो अच्छे काम को भी जाता हूँ जी. और कभी ऐसा वैसा हुआ तो वो काम को भी जाता हूँ, जाके कराता हूँ. तो अच्छी बात है, इस मरतबा मैडम ने वार्ड नंबर 19 इंतखाबात में हिस्सा लिया है. मैडम, इस मरतबा अगर आप जीतेंगे तो आप खसूसी काम क्या करना चाहेंगे आपके वार्ड में? खसूसी काम क्या, सब कुछ तो करती हैं, सब भी आए तो काउंसलर हुए तो रोडांग का करती हैं, मोहरियां का भी करती हैं, दूसरा पानियां का भी करती हैं. मैं गरीबों के वास्ते, घरों के वास्ते जो तकलीफ में हैं गरीबा, वो बच्चे के स्कूल के एजुकेशन के वास्ते कहते कि जिन्हें ये कर रही, वो बच्चे के स्कूल के वास्ते, गरीबों के घरों के वास्ते, बिजनेस को नहीं रहता किसी की, उनको लोना का क्या भी कर को देंगे, गरीबों का लोना का है सभी कर को देना कर को मेरा. आपका कहने का मतलब ये है अगर ये वार्ड में कोई भी काउंसलर आ गए तो उनका करना ही है ये रोड, ये है सभी करती है, सब करते सब करते. आप करने के बावजूद वो भी करना कर को इरादा, बहुत अच्छी सोच रखे हैं आप.
तो ये सब सोच आपके ये प्रेरणा देने वाले आपके उस्ताद कौन है राजकीय में, आपको कैसे ये सब दिमाग में आया? ये सब भी मैं हमारे हस्बैंड कुछ देखो मैं ये करी सो इनो जाना बाहर अच्छे बुरे को गरीबान की शादियां रंदे सब इनो मदद करते रहती हमें ये देख कुछ मैं ये करी नहीं। उस्ताद आपके आपके हस्बैंड तो इसका मतलब मैडम आपको आपके हस्बैंड ही आपके उस्ताद है। सर आपको कौन है सर उस्ताद जो पॉलिटिकल कैरियर में हो या सोशल एक्टिविटीज में, ये सभी बातचीत जो मैडम की लग रही है कि ये आपके तरफ से की हुई है ऐसे लग रहा है, तो आपको इतना सब कुछ कैसे समझ में आया सर, आपको कौन है सर उस्ताद? उस्ताद अब ये क्या है बोले तो हमारे लोग जो मुस्लिम लोग हैं जी कुछ जानकारी नहीं है वो क्या होता है किधर होता है वैसा समझ नहीं, बाहर निकलते नहीं, बाहर निकल के अब जाना एक तालक ऑफिस में जाना। अब गैर मुस्लिम क्या करते हैं घुसते हैं घुस के जाते हैं तालक ऑफिस में क्या होता है देखते हैं। अब ये क्या भी इनकम सर्टिफिकेट ऐसा वगैरह वगैरह हमारे मुस्लिम्स क्या करती हैं कर लो जाके वहाँ उनके पास जाती लो ये करा के दो ये देखो ये ऐसा देखो फिरते रहती वो देख देख के मुझे नहीं ये सब इनको सिखाना बुला लेके जाना बताना। अब म्यूनसिपल्टी के अंदर कॉर्पोरेशन के अंदर काउंसलरीज करना करके कुछ नहीं है, है क्या भाई नहीं है जी। आम आदमी भी जाके उसका काम करा सकता है जी जी, जैसे आरटीओ में है ब्रोकर ब्रोकर के हाथ में दिया तो 7-8 हज़ार रुपया लेता है, तुम जाओ 120 रुपया खर्चा होता है जी 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 होता है ना बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वैसा मेरे लोग को मालूम नहीं वो देख देख के मैं वो बोले क्या रहा हूँ हमें खड़के करना क्या भी नहीं तुम्हें जाके करा सकती करा लियो तुम्हें करके बोले कि मैं इनको भी जाते रहता हूँ ना ये भी देखते हमारे मैडम तो ये भी देख कर इन्होंने सीख ली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैडम ने कहा कि यहाँ के रहने वाले निवासी बहुत सारे गरीब गुरबा भी हैं तो उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। अब ये खासे तो थाली बजेगी नहीं, ये तो लेडीज हैं इनके साथ में आप क्या आपके इनके हाथ में हाथ मिलाकर इन लोगों को कुछ खिदमत अंजाम देंगे सर? देंगे देंगे जरूर। क्या करेंगे सर आप देखिए आपके अपने हिसाब से क्या करना चाहेंगे? इधर ज्यादा खासकर बीड़ी वर्कर्स है, अब इधर एस के बीड़ी करके बहुत नंबर वन बीड़ी है इधर की एस के बीड़ी। अब क्या हो गया तो गवर्नमेंट की वजह से ये तंबाकू गुटखा स्मोकिंग सब बंद कराने वाले हैं, अब वो बंद करा देते हो ये लोग जाएंगे किधर जी उनकी रोजी रोटी बंद हो जाती है उनकी जी। उसके लिए क्या बोल रहा हूँ तो मैं अभी अगरबत्ती का जो है फैक्ट्री फैक्ट्री ऐसे फैक्ट्री की ट्रिप बोलते भी आए तो इधर जगह आए इधर फैक्ट्री लगा के वो फैक्ट्री में जमाना मिनी इंडस्ट्री मोमबत्ती हो अगरबत्ती हो बहुत अच्छी बात है हमारे लोग सेफ होंगे इसमें जी। सोच तो बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी किए हैं आप लोगों ने दोनों ने जो बात कर रहे हैं बहुत खुशी महसूस हो रही है, लेकिन यहाँ पे एक ताजुब और अफसोस की बात है आप तो 20 से 25 साल लोगों की खिदमत करते हुए आए हूँ यही कहे हैं, इसके बीच में ये छोटे मोटे इंडस्ट्रीज का हो या कोई भी अचार वगैरह फैक्ट्री मोमबत्ती की ऐसा कुछ भी हो ये पहले भी कर सकते थे आप, क्यों नहीं करे आज तक नहीं किए अब करने की बात कर रहे हैं ऐसे कैसे होगा सर? अब ये काउंसलर अब क्या है तो इधर अब दूसरा काउंसलर थे इतना तो हमने पावर रेटेड ही नहीं थी हमको इसीलिए वो कुछ आगे नहीं बढ़ के जाते थे। ये दूसरा काउंसलर थे ना हमने वैसा क्या भी फॉरवर्ड लेने का आपको ये नहीं करते थे वो वजह से अब लेडीज करके आया इसीलिए हमारे बीवी को खड़ा करके जिता के हम पावर रेटेड ले के करेंगे। यानी आपका कहने का मतलब ये इक्तदार नहीं था आपको हटौटी नहीं थी आपने बहुत जद्दोजहद करने के बावजूद आप यही कह रहे हैं ना जद्दोजहद करने के बावजूद आपका काम नहीं होता था इस मतलब आपकी बीवी को कड़ा किया है इंशाल्लाह करेंगे तो ये आपके जरिए से कह रहा हूँ ये तो हर कोई कहता है कि हम जीतेंगे तो वो करेंगे ये करेंगे अब देखना ये है कि आपके पीरियड में अब आने वाले दिनों में क्या करेंगे ये लोग भी जानेंगे। मैडम आपकी तरफ मैं थोड़ा तवज्जो देना चाहता हूँ, आप एक महिला है एक औरत है एक लेडीज है आप समझ सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे गैर गुरबा यानी गुरबत में जीने वाले औरतें बहुत हैं, कहीं कोई बीड़ी का काम कर रहा है कोई कहीं टॉयस का काम कर रहा है यहाँ पे टॉयस में मशहूर है यहाँ पे अलग अलग तरीके से मेहनत है आज औरतें ज्यादा कर रही हैं ये हकीकत ये नहीं कि मर्दें नहीं कर रहे हैं लेकिन अक्सर लेडीज ज्यादा कर रही हैं। तो अचानक से ऐसे बीड़ी कारखाने बंद हो जाए या टॉयस नहीं चल रहा है अचानक अभी लॉकडाउन वगैरह ऐसे मसाइल आ गए तो ऐसे माहौल में इन लोगों का घर आना कैसे चलेगा घर कैसे चलेगा आप इसके बारे में क्या सोचेंगे? वो वास्ते से अब मैं अभी या भी काउंसलर है तो वो वास्ते सामने चल को क्या भी
गवर्नमेंट से क्या भी स्कीम्स क्या भी ये करना कर को वोच मदद से सेफ्टी करना सेफ्टी करने के वास्ते से अब ये बड़ियां का कारखाने यहाँ बहुत चलता है बड़ियां का यहाँ इनके जेंट्स तक बैठ को घर में बड़िया का काम कर को उनके जिंदगी उन्होंने कर रही वो वास्ते वास्ते क्या भी वैसा बंद हुआ तो क्या भी हमें गवर्नमेंट से हमारा ये रहा तो हमारी ये रही तो हमें कर सकती ये इरादा लेको हमें खड़ रही इस बार वही इस बार वो इरादा लेको अब ये लॉकडाउन में सब देखे हमें क्या क्यों कर को आखिरी एक दो सवाल एक आपके हस्बैंड से एक आप दोबारा आपसे करके मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ सर लॉकडाउन यानी कोविड-19 का किस्सा है एक साल मुकम्मल हो भी चुका है उसके बावजूद अभी ये बीमारी से हम लोग आज़ाद नहीं हुए इसके बीच में केंद्र सरकार से कम 8 से 10 महीने लॉकडाउन जैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ा लोगों को आपके वार्ड के रहने वाले गरीब गुरबाओं के लिए आप लॉकडाउन जैसे महामारी के दौर में आपने क्या खिदमत की सर हम ऐसा क्या है वो खिदमत करे आदमी के सामने मैं ये करा मैं वो करा कुछ बोलने का नहीं रही बात पार्टी में जो हमारे डीके शिवकुमार हैं जी सुरेश हैं वो कुछ तरकारी वगैरह ऐसा है नहीं वो भी उधर 5 मील दूर इधर है तुम्हारे एरिया वाले को चाहिए तो आके ले जा सकता है तुम करके बोलो अब मैं लॉकडाउन फुल कर्फ्यू की थी एरिया एक गाड़ी नहीं इधर कुछ भी नहीं बाद में दो छपरा लोग को बोला ऐसा बोले डी के शिव कुमार क्यों करेंगे जाएंगे क्या क्या चलो नहीं भाई तुम हम बोले तो हम आते इंदौर में जाएंगे गए बाद ऑटो ले लेके मैं चेक दो ऑटो ले लेके इधर से गया उधर जाके वो पूरा जैसा काले थे वो गोभी मंचूरी वो सब पूरा वैसा मट्टी मट्टी था पूरा डाल लेके ऐसा व्हाइट शर्ट था मेरा डाल लेके पूरा लाल हो गया अभी पूरा दो ऑटो में भी भर लेके टमाटे वो गो ये पूरा ये तरकारी वगैरह तरकारी है क्या था कच्चा कच्चा लेके सब लेके सबके घरों के बारी बारी एक घर पूरे जी सबके घरों को देने कराया सर जी 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 मेरे तरफ से मेरे ऐसा क्या भी नहीं यानी जो इसका था पार्टी पोजीशन का था आपने जद्दोजहद करके लाके तो ये पहुंचा है ये वही बात है देखिए कोई किसी के जेब से निकाल के देना या किसी को किसी से कहकर ला कर देना ये भी तो स्वभाव है मकसद एक ही है कि उस परेशान लोगों की परेशानी को दूर करना हमारा मसला है पैसा कौन देगा फंड कहाँ से लाएंगे क्या ले जाकर कौन दे रहा है ये दिखावे की बात नहीं है मैं भी इसलिए पूछता हूँ बहुत सारे पैसे वाले भी आज घरों में बैठे हैं वो लेकिन किसी को मदद नहीं करते खैर उस बातों में मैं जाना नहीं चाहता तो आपकी बात से सुन के तो वो शौर पैदा हो जाए कि वो दूसरों की मैं जो अभी एसके बड़ी करके बोला तुमको जी एसके बड़ी वो सब सादत शकाब जो है एसके बड़ी ओनर वो है ना बहुत बहुत कुछ एक एक घर को कम से कम दो दो चावल के मुठे आटा तेल सब वगैरह वगैरह सब पूरा बहुत मदद कर पूरे चंदपड़न को करे यहाँ का हमारे एरिया कुछ नहीं पूरे चंदपड़न को करे अल्लाह उनको सही सलामत रखे दे उनकी कमाई में बरकत दे दे बहुत अच्छा ये बड़ी बात है आज वो मौजूद नहीं है कहीं हमारे बीच यानी बैठे हुए नहीं है आमने सामने कहीं बैठे भी नहीं दिख रहे भी नहीं सुन रहे भी नहीं उसके बावजूद उनका नाम लेकर हम दुआ दे रहे हैं दुआ दे रहे हैं ये बनना चाहिए अच्छी बात है मैडम वक्त की नजाकत को समझते हुए मैं आपसे एक आखिरी सवाल करके अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ 2021 के होने वाले 27/4/2021 के होने वाले चुनाव में नगरसभा चुनाव जो हो रहे हैं इसमें वार्ड नंबर 19 से आप जो कांग्रेस पार्टी से खड़े हैं इंतखाबात में हिस्सा लिए हैं तो आपके वार्ड नंबर 19 के लोगों के लिए इस वीडियो के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई बहनों को 19वें वार्ड में मैं ये इलेक्शन को खड़ी हूँ ये बार पहली बार खड़ी हूँ मैं आप सब मदद कर को कांग्रेस हाथ मेरा ये है कांग्रेस को वोट डाल को जो भी खिदमत है मैं 19 वार्ड में सचूँ सो यहाँ से सब कुछ देखी हूँ यहाँ के प्रॉब्लम्स ये सभी मैं देख को ये करी हूँ एक बार खिदमत का मौका दियो एक बार हम ना भी आगे बढ़ने का मौका दियो हमें क्या मदद करना मदद कर करती सब भाई बहनों को मेरी गुजारिश है आप ये हाथ को वोट डाल को हमारी मदद करो कामयाब करें कामयाब अच्छी बात है सर आप क्या कहना चाहेंगे सर आपके वार्ड के रहने वालों मैं मेरे वार्ड के आदमियों से बोलता हूँ कि जो मेरी बीबी को जो मौका मिला है ये मौका मैं बहुत सालों से मैं खड़ा करके था लेडीज वार्ड हुआ तो मेरी बीबी को खड़ाया हूँ ये क्या वजह से बोले तो तुमने क्या ज़रूरत की चीज़ है क्या करना तुम्हें मुझे बोलो मैं करके देता हूँ
हमारे बीबी को कांग्रेस से जो खड़ा हूँ इनको हाथ के पंजे को वोट दियो और देखो कामयाब होता फरमा। जो आपके वार्ड के रहने वालों को आपने कहा कि आपके बीबी के कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार खड़े हैं उनको कामयाब करें और सारे काम कर लेते हैं। अच्छी बात है। सुमार विवर ना केड़ा अंदर समय बड़ा कड़मी इतना ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ .com ಅಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪರವಾಗಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವೀಕ್ಷಕರೇ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ 27/4/2021 ನಡೆಯಲಿರುವ ನಗರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 19 ಅಭ್ಯರ್ಥಿನಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಜ್ಮಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಯಜಮಾನರಾದ ಸುಮಾರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ 1995ನೇ ಇಸವಿಯಿಂದನೇ ಸತತವಾಗಿ ಜನಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಯೀಮ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಾವು ಕೇಳಿದಿರಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಈ ದಂಪತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಇಂದೇ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ www.politiciansinindia.com. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.